What a sound, man. Whoa. And this is the fog lineup, guys. रहे क्या बसड़ होगी ये. All good, भाई साहब. Hey guys, very good morning. स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में. एंड ट्रेलर देख के तो आपको समझ ही आ गया होगा कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं. तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आज हम जा कहाँ रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं. बट जरूर एंड तक बने रहना क्योंकि ये राइड बहुत ही स्पेशल है. तो आओ GoPro को माउंट करते हैं हेलमेट में एंड फिर मैं आपसे बात करता हूँ. हे गाइस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन. एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं, ये भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा जब मैं उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा. और यहाँ से अभी जस्ट तिलक नगर आई एम गोइंग. तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के पास हमारा मीटअप है, तो मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ फिर मैं आपसे बात करता हूँ. सी यू. All right, ladies and gentlemen, we are back on road and this is our convoy going. जो हमारा मीटिंग पॉइंट था वो था तिलक नगर. और मैं आपको बताना चाहूंगा, आई हैव ज्वाइन दिस ग्रुप विच इज अ दिल्ली बेस्ड क्लासिक राइडर एंड टूडे वी आर गोइंग टू अ डेस्टिनेशन. वो डेस्टिनेशन कैसी होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा. सो बने रहना वीडियो में. What a sound, man. Amazing. तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं एम्बियंस मॉल की तरफ एंड ये रास्ता है दिल्ली कैंट. एंड हम सामने है हमारा लहराता हुआ देश का तिरंगा, हमारा मान, हमारा शान. अब हम जा रहे हैं अपने सेकंड मीटअप पॉइंट पे, जहाँ पे गुड़गांव एंड फरीदाबाद वहाँ के राइडर ज्वाइन करेंगे हमें एंड देन वी विल हेड बैक टू आवर डेस्टिनेशन. आप यहाँ पे बहुत सारे बाइकर्स देखेंगे इस रोड पे अभी. ओके गाइस, तो ये हमारा मीटअप पॉइंट जहाँ पे अभी हम पहुँच चुके हैं एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि इस समय हम है कहाँ पे एंड कितने बाइकर्स हैं आज हमारे साथ जो ज्वाइन कर रहे हैं. सो काफ़ी सारी बाइकर्स हैं, काफ़ी बाइकें आ रखी हैं. तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ यहाँ पे हमारे साथ आज कितने लोग हैं. चुके हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए एंड अप्रॉक्स यहाँ से 1 आवर का डिस्टेंस है.
ऑलराइट गाइस, तो फिलहाल के लिए गुड़गांव से सीधा हम जा रहे हैं भिवाड़ी की तरफ, जहाँ पे हमारा रिजॉर्ट है, जहाँ पे हम आज ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। This is the fog lineup, guys. Okay, so that's the group of four bikes. आगरा, जयपुर, सोना रोड, तो ये रास्ता बेसिकली जाता है उस तरफ की तरफ। बैक कैमरा अगर आपने लगा रखा और आपको देखना हो कि मेरा बैक कैमरा सेफ है कि नहीं, तो आप देखो परछाई दिख रही है नीचे, इस नीचे वाली परछाई में मेरा कैमरा दिख रहा है रस्सी के साथ। तो इस तरह से मैं पता लगा रहा हूँ आजकल। एंड यहाँ पे ग्रुप वेट कर रहा है, क्या बसड़ होगी है। ऑल गुड भाई साहब, सब बढ़िया, ऑल गुड ऑल गुड। एंड यहां से अब हम हो जाएंगे लेफ्ट। गाइस, सो अब हम अपने रिजॉर्ट के रास्ते पे आ चुके हैं। डू सब्सक्राइब द चैनल गाइस, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब, दिस इज योर बॉय राज। हे होटल राज, ओके, मेरे नाम से होटल है, वाह, हमको खबर ही नहीं थी हमारा बिजनेस चल रहा है भिवाड़ी में। ऑलराइट गाइस, सो थोड़ी सी चढ़ाई के साथ थोड़ा ऊपर आते हुए यहाँ पे कहीं है हमारा रिजॉर्ट। ओके गाइस, तो ये है कुछ नज़ारा यहाँ से, रिको रेस्ट हाउस भिवाड़ी। सो गाइस, अभी हम जस्ट अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं एंड
काफ़ी अच्छी जगह है ये, काफ़ी ऊपर बना रखा है ये, पहाड़ों के थोड़े से ऊपर है, तो मैं आपको अभी दिखाता भी हूँ कैसा है। फ़िलहाल के लिए हम सब सेटल डाउन हो रहे हैं एंड अभी जितने बाइकर्स हैं अपने गेयर्स वो सब रख रहे हैं, थोड़ी सांस फूल रही है क्योंकि मैं चढ़ के आया हूँ अभी। तो एक बार मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ का, और एक बार देखो यार, तो ये नीचे कुछ फैक्ट्री का लुक आ रहा है। सामने अगर आप देखो तो छोटा सा पहाड़ है और यहाँ फोटो सेशन हो रहा है। ये जगह पूरी जंगल से भरी हुई है एंड तो यहाँ से क्लियर नज़ारा देख सकते हो आप, ये देखो। बहुत ही प्यारा लोकेशन है यहाँ से। तो नीचे है सारे हमारे राइडर्स एंड अभी हम नीचे ही जा रहे हैं, भाई लोग हैं हमारे, तो चलते हैं नीचे एंड लेट्स सी। राइड में गए, लोगों से मिले, बात करी, लोगों ने पहचाना हमें, हमने लोगों को पहचाना। फिर जो चार लोग थे इसमें, एक छात्रा सर, एक संतोष भाई, एक राणा जी और एक मैं, और चार लोग अब हमारे साथ नहीं है। फिर एक एक करते हमने आप जैसे नगीनाओं को चुना और आज हम ऑलमोस्ट 200 हो गए हैं। बहुत मुश्किल टाइम रहा हमारे साथ। हमारे साथ राइड पे कोई नहीं जाने को तैयार होता था क्योंकि वो कहते थे तुम्हारे ग्रुप में कोई दम नहीं है, बट हमने धीरे धीरे प्रूव किया इसको और काफ़ी हद तक आगे गए और अब हम काफ़ी आगे और जा रहे हैं। बाकी थैंक यू सो मच। So guys, now we are heading back to our home. सारे राइडर तैयार हैं एंड चलो क्रेजी गाइस। तो बहुत चीज़ें मैं वहाँ कवर अप नहीं कर पाया क्योंकि हम जब सबने ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट किया तो वहाँ लाइट चली गई एंड बस फिर हम ब्रेकफास्ट करके निकल ही रहे हैं। अब सब अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। एंड यहाँ से अराउंड 1-1.5 घंटे में हम पहुँचेंगे। सो काफ़ी बढ़िया रहा, लोकेशन भी अच्छी थी, ब्रेकफास्ट भी मुझे काफ़ी मज़ा आया करने में एंड काफ़ी बाइकर्स थे, काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की, गेयर्स, हेलमेट, राइड्स को लेके एंड काफ़ी लोग मुझे जो द्वारका से हैं उनसे कनेक्टेड हुआ मैं। तो होप सो अगली बार मैं उन लोग के साथ ज्वाइन कर सकूँ, हम अपनी राइड पर जाएँ। ऑलराइट गाइस, तो दिल्ली एंटर कर चुका हूँ मैं, फ़िलहाल के लिए जा रहा हूँ सेक्टर 1 अपने घर की तरफ एंड यहाँ से अप्रॉक्स मुझे लगेगा अराउंड 15 से 20 मिनट घर पहुँचने के लिए। तो ओवरऑल गाइस, आज की राइड काफ़ी अच्छी रही, न्यू ग्रुप से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, काफ़ी न्यू फ्रेंड्स बने आज। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि नेक्स्ट राइड हमारी कहाँ की रहेगी, बिकॉज वेरी सून आई एम प्लानिंग फॉर अगेन 1 सोलो राइड विच विल बी टू नैनीताल एंड मुक्तेश्वर, दिस एरिया मैं कवर करूँगा। तो ब्लॉग में ज़रूर बने रहना।
तो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं एक बेहतरीन लाइन के साथ, जिंदगी के किसी मोड़ पे फिर मिलेंगे किसी रोड पे। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, दिस इज राज, सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।